हम पूछना चाहते हैं, 15 वर्षों की सरकार बताए बिहार में आईटी कंपनियां क्यों नहीं आ सकती, आईटी पार्क और सेज SEZ क्यों नहीं बन सकते। दूसरा, बिहार में केला, मकई, मखाना, चावल, गन्ना, आलू, लीची, आम इत्यादि अनेकों विश्व प्रसिद्ध अनाज, फल, सब्जियों का इतना उत्पादन होता है, तो फिर इन सभी से संबंधित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्यों नहीं लग सकते। आप देखे होंगे बिहार में बड़ी संख्या में जो है मखाना की खेती होती है, बल्कि अमेरिका तक इसका जो है डिमांड होता है। मॉल में इसकी कीमत 200 रुपये होती है, 200 रुपये कीमत होती है। तो हम बिहार में अगर इतनी सब्जियां, इतने फल, अनेकों चीज़ का उत्पादन हम लोग करते हैं, तो इसको लेकर के हम बिहार में 15 सालों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्यों नहीं लग सकते, ये सरकार बताने की कृपा करें। बिहार दूसरे प्रदेशों जैसे आंध्र प्रदेश जैसे मछली खरीदता है, हम लोगों ने देखा इस पर सभी मछुआरे जो भाई हैं हमारे, वो काफ़ी धरना प्रदर्शन भी इस पर किया गया कि आंध्र प्रदेश से जो है वो मछली आता है। तो बिहार दूसरे प्रदेशों जैसे आंध्र प्रदेश से मछली खरीदता है, 15 वर्षों की सरकार बताए कि हम बिहार में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते कि बिहार में मछली उत्पादन को बढ़ावा देकर यहाँ जिलावार मछली बाजार लगाकर मछुआरों की आमदनी और उत्पादन को नहीं बढ़ा सकते, ये बिहार की सरकार बताए। ऐसा व्यवस्था हम लोग क्यों नहीं करते कि सरकार ही जो है वो मछुआरों से मछली खरीदे, बाजार लगाए और उनका जो उत्पादन, जो आमदनी जो है उसी हिसाब से जो है सरकार जो है पैसा देने का काम करे। 15 वर्षों की सरकार बताए बिहार में इंडस्ट्री स्पेसिफिक क्लस्टर क्यों नहीं लगाया जा सकता। आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री छोटे छोटे स्केल के जितने भी इंडस्ट्री क्लस्टर वाइज जो है उसको हम लोग क्यों नहीं लगाने का काम कर सकते। तो ये बिहार सरकार 15 वर्षों की सरकार बताए बिहार में डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध उत्पादन संबंधित बड़े उद्योग क्यों नहीं लगाए जा सकते। बिहार का दूध, घी, मक्खन, चीज़, पनीर, खोया इत्यादि दूसरे प्रदेशों और देशों में क्यों नहीं भेजा जा सकता। आप लोग सब लोगों ने देखा होगा कि बिहार में जो है इसका उत्पादन जो है अच्छी संख्या में होता है, तो इसका उपयोग जो है हम लोग दूसरे प्रदेश में क्यों नहीं भेज पाते, हम लोग जो है दूसरे मुल्कों में क्यों नहीं भेज पाते। बिहार जो है एक कंज्यूमर स्टेट बना हुआ है, हर चीज़ कंज्यूम करता रहता है। बिहार के लोग जो है पलायन करते हैं, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर के बिहार का लाखों करोड़ों रुपया जो है बाहर जाता है। तो अगर ऐसी व्यवस्था हो और इन्होंने 15 साल राज किया है, तो 15 साल राज करने के बाद ऐसी व्यवस्था आखिर क्यों नहीं कराएगी। छठा सवाल है, 15 वर्षों की सरकार बताए उन्होंने लघु उद्योग और हथकरघा उद्योग के लिए क्या किया, बड़े पैमाने पर उद्योगों को बढ़ावा क्यों नहीं दिया जाता। यहाँ देखिएगा, नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो बोले थे कि भाई उद्योग लगेगा, यहाँ एक बड़ा मीटिंग भी किया गया था, लोगों को बुलाएंगे उद्योग के लिए, आखिर उसका क्या नतीजा आया और उसके बाद आखिर क्या पहल किया गया ताकि जो है बिहार में लघु उद्योग से लेकर के सारे उद्योग जो है वो क्यों नहीं लग पाते, ये सरकार जवाब दे। सातवां सवाल, बिहार में पर्यटन की असीम संभावना है, आप उन लोगों ने देखा होगा बुद्ध की धरती रही, यहीं जैन है, यहीं आप पहला विश्वविद्यालय है, सीता मैया की धरती है, आप देखे होंगे शेरशाह सूरी से लेकर के सारी व्यवस्था जो बिहार का गौरवशाली इतिहास है, पर्यटन को देखते हुए अगर हम लोग अगर पर्यटन के दिशा में अगर काम करें तो असीम संभावना होंगी कि बिहार में पर्यटन का बढ़ावा मिले और काफ़ी हद तक व्यवसायिकों को भी इसका फ़ायदा होगा और बेरोज़गारी दूर करने के लिए काफ़ी छोटे मोटे जो रोज़गार की जो व्यवस्था है उसकी भी व्यवस्था हो सकती है। तो बिहार में पर्यटन की असीम संभावना है, 15 वर्षों की सरकार बताए उन्होंने बिहार को अब तक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित क्यों नहीं किया।
अभी देखिएगा कई जो म्यूजियम बनाए गए बिहार में, ऐसी ऐसी चीज़ों का खोज हो रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें निकल रही हैं, कौन कौन से सदियों की चीज़ें हैं, कौन कौन से लोग जब सदियों में जब लोग जीते थे उनका जीने का जीवन का कुछ सबूत मिल रहा है। आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कराई जाती, आखिर उस दिशा में भी आखिर क्या काम कर रहा है, ये बिहार की सरकार को बताना चाहिए। आठवां, आप लोग सब लोग जानते हैं, चाहे सिपाही की बहाली हो, शिक्षक हो, डॉक्टर हो, सरकारी नौकरियां में लाखों पद जो हैं वो रिक्त हैं, खाली हैं, उनको भरा नहीं गया। तो सरकार के विभिन्न विभागों में लंबित लाखों रिक्तियों को नियुक्तियां क्यों नहीं करती, लाखों जो रिक्त पदे हैं उसकी नियुक्तियां क्यों नहीं कर रही है सरकार, ये सरकार जवाब। अब आप लोगों ने देखा होगा बीपीएससी की हालत देखी होगी, कब क्या होता है किसी को नहीं पता चलता, डीले पे डीले चलता रहता है, कोई नतीजा नहीं आ पाता, कोई फैसला नहीं आ पाता। अभी भी आप बीपीएससी ऑफिस के बाहर चले जाए तो हजारों की संख्या में नौजवान जो है धरना प्रदर्शन देते हैं, नौकरियां नहीं निकलती, परीक्षा समय पर नहीं होता, तो ये बड़ी जो है समस्या उत्पन्न है। तो इसका सरकार बताए कि विभिन्न विभागों में जितनी खाली पदे हैं उसको वो भरने का काम क्यों नहीं करते। नौवां सवाल, 15 वर्षों की सरकार नियुक्तियां, भर्ती परीक्षा और प्रक्रिया को पारदर्शी तथा नियमित क्यों नहीं कर सकती। जो भी नियुक्तियां होती हैं देर सवेर जो भी होता है उसमें बड़ी गुंजाइश होती है कि धांधली होती है और शिकायत जो है वो होती है। लोग काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे पास भी आते हैं, लोग बोलते हैं भैया परीक्षा को जो है पोस्टपोन करवा दीजिए, विधानसभा में सवाल उठाइए, ये हम लोगों का जिंदगी भर हम लोगों ने मेहनत किया, पढ़ाई की, इसकी परीक्षा दी, और उसमें भी अगर देखा जाता तो क्षेत्रवाद, जातिवाद और भ्रष्टाचार के वजह से जो सही हकदार जो है उनको नौकरी नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से आपने देखा होगा एक बीपीएससी के चेयरमैन जो है उनका ऑडियो भी जो है वायरल हुआ था कि रेट फिक्स कर दिया गया है, फलना इंस्पेक्टर बनोगे तो 20 लाख, डीएसपी बनोगे तो 45 लाख। तो ये जो ऑडियो जो है ये भ्रष्टाचार, जिस प्रकार से अगर बीपीएससी के चेयरमैन का अगर ऑडियो आया है तो आप समझ सकते हैं कि कहां से निष्पक्ष तरीके से परीक्षा हो सकती है और जो काबिल हैं उनको रोजगार कहां से मिल सकता। तो सरकार के लोग जो है ये कृपा करके बताने का काम करें। दसवां सवाल, सरकार बिहार में स्थायी निवासियों के लिए 90% नौकरी आरक्षित करने का प्रावधान करने वाली हमारी डोमिसाइल नीति की मांग स्वीकार क्यों नहीं करती, ये हम लोगों की बड़ी लंबे समय से मांग चल रही है। और कई राज्य जो हैं देश भर में उन्होंने अपने अपने राज्यों में डोमिसाइल नीति को लागू करने का काम किया, अधिकांश राज्यों में। बड़ा दुख होता है जब बिहार के उप मुख्यमंत्री बोलते हैं कि बिहार में गणित के, विज्ञान के और अंग्रेजी के टीचर नहीं मिल पाते। अब बताइए गणित जहां आर्यभट्ट जन्मे जिन्होंने 0 नंबर दिया, ये तो दुर्भाग्य है कि 15 साल आप राज किए और आप जो है एक गणित का, एक अंग्रेजी के, एक विज्ञान को टीचर को आप नहीं पैदा कर सकते, बना सकते, तैयार नहीं कर सकते। अगर बिहार में अगर गणित का टीचर नहीं मिल रहा, विज्ञान का टीचर नहीं मिल रहा, अंग्रेजी का टीचर नहीं मिल रहा, तो इसका और कौन दोषी है? दोषी केवल वही है जिन्होंने 15 साल बिहार में राज करने का काम किया और वो कहते हैं कि बिहार में इन सारी चीज़ों की कमी है। केरल के अंग्रेजी के टीचर जो हैं यहाँ आकर के पढ़ाते हैं, नौकरी पाते हैं, क्या केरल का, हम सुशील मोदी जी से पूछना चाहते हैं वहाँ की जो मदर टंग है वो क्या है? वो अंग्रेजी तो है नहीं, मलयालम है। जब वहाँ के लोग अंग्रेजी टीचर तैयार करके दूसरे प्रदेश भेज सकते हैं तो बिहार में हम विज्ञान, अंग्रेजी और गणित के टीचर नहीं माने जा सकते, बल्कि बिहार का तो नाम है भाई गणित में बिहारियों से कोई आगे नहीं है। फिर भी अगर ऐसी भाषा अगर उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी कहते हैं और दूसरी तरफ नौजवानों को इंसल्ट करते हैं, बेइज्जत करते हैं, एक तरफ कहते हैं भाई यहाँ जो है कोई युवा सक्षम नहीं है टीचर बनने लायक अंग्रेजी का, गणित का,
और दूसरी तरफ कहते हैं कि आप चांद पे चले जाओ, चांद पे रोजगार पा लेंगे बिहार के लोग। तो सुशील मोदी जी थोड़ा गंभीरता दिखाइए, आप की जो कमियां हैं, अगर बिहार में विज्ञान के टीचर नहीं मिल रहे, मैथ के टीचर नहीं मिल रहे, आपके इंग्लिश के टीचर नहीं मिल रहे, आप जो है पूरी तरीके से जो है रोज़गार जो है उपलब्ध नहीं करा पाते, ऊपर से जो है आप नौजवानों का मजाक उड़ाने का काम करते हैं, गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं, तो कम से कम ऐसा काम मत कीजिए। और हम लोगों ने तो साफ साफ जो सवाल पूछा है, ये मेरा सवाल नहीं बल्कि उन 7.5 करोड़ नौजवान युवा भाइयों का सवाल है जो बेरोजगार हैं, जिन्होंने डिग्री लेकर के नौकरियों में उनको मिल नहीं पा रहा। MBA का डिग्री आपने देखा होगा विधानसभा में भी 200 पद जो निकला, माली में आपने देखा होगा, चपरासी में MBA किया हुआ, BTech किया हुआ नौजवान जो है वो जो है एप्लीकेशन दे रहा, उसमें भी उसको रोज़गार नहीं मिल रहा।